वो दोनों चीजें। नो, टैरिफ कोई कंट्री बढ़ा नहीं सकता, तो जो जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बिजनेस है, नाउ दिस विल कम फ्रॉम नॉन टेरिफ, यू नो द मार्केटिंग बेरियर्स, जैसे आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं। अमेरिका का सामान हिंदुस्तान में आ सकता है, लेकिन हमारा सामान जाने के अंदर हमको क्वालिटी की प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ नहीं। तो अमेरिका इज वेरी बेनेवोलेंट ऑन द कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान एंड वियतनाम, बट आप देखिए तो उनको प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर इश्यूज की, जो भारत में है या पाकिस्तान में। तो हम अगर कारपेट भी वहां पे निर्यात करते हैं या पटाखे निर्यात करते हैं, तो हमको लिख के देना पड़ता है कि चाइल्ड लेबर हैज नॉट बीन यूज, क्वालिटी इज अनदर बिग इशू। देन अमेरिका इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन पेटेंटिंग देयर पेटेंट्स। तो पेटेंट में ये कि जिस दवा का पेटेंट हो गया या किसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट हो गया, तो हम दूसरी तरह से ना बना सके। लेकिन जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है, और इस टैलेंट के कारण हमने एक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से जो कोई भी चीज किसी विकसित देश में अमेरिका में बनती है, वो हम फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे बना देते हैं। और जब तक ये फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे बन जाता है, तो हमारी चीजें उनके बाजार में कॉम्पिटेटिव होती हैं, उनकी चीजें कॉम्पिटेटिव नहीं होती हैं। और ये सारा का सारा ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर, नाउ प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, उनकी बहुत लिमिटेशन है मल्टीलेटरल ट्रेड को अफेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सारे अब मल्टीलेटरल WTO की फोरम पे दे हैव टू नेगोशिएट इट। राइट।